हेलो दोस्तों, तो अभी अभी एक मूवी हिंदी डब में आई है जिसका नाम है डार्क टाइड, जिसकी लेंथ 1 घंटा 53 मिनट की है। और मैं इसी का रिव्यू करने वाला हूँ कि आपको ये फिल्म देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए और इसकी हिंदी डबिंग कैसी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो गाइस, इसके स्टोरी के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो गाइस, इसमें एक लड़की को दिखाया गया है जो कि समंदर में शार्क के साथ तैरती है, मतलब उसे शार्क के साथ तैरना आता है। पर इसी दौरान उसका एक दोस्त है, उसका मौत हो जाता है शार्क के द्वारा, तो वह तैरना छोड़ देती है। तो बहुत समय बीत जाता है, मतलब 1-1.5 साल बीत जाता है, तो उसे पैसे की जरूरत होती है। तो वह कुछ टूरिस्ट को लेकर फिर जाती है, मतलब शार्क के तैरने के लिए, शार्क के पास तैरने के लिए, क्योंकि उस टूरिस्ट को शार्क के साथ तैरना है तो वह उसे हायर करता है। तो वह पैसे कमाने के लिए फिर से जाती है शार्क के साथ तैरने के लिए। तो उसके बाद उसके साथ क्या होता है, क्या वह शार्क के साथ तैर पाती है या नहीं तैर पाती है, और शार्क कहीं उसके मतलब उन लोगों को मार तो नहीं देता है, ये सब जानने के लिए आपको यह फिल्म देखना पड़ता है। और इस बीच उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन समस्या से वह कैसे डील करते हैं, ये सभी चीज जानने के लिए आपको यह फिल्म को देखना पड़ता है। तो गाइस, फिल्म को एक शब्द में रिव्यू करूं तो एवरेज भी नहीं बोलूंगा, बिलो एवरेज मूवी है। इसमें जिस तरह से मतलब आपने शार्क वाला मूवी देखा हुआ, तो इस तरह में जिस तरह से इंटेंसिटी, जिस तरह से टेंशन होता है, इस मूवी में जरा सा भी नहीं है, बस चलते रहता है। मेकर्स ने बहुत ही बुरे तरह से फिल्म को प्रेजेंट किया है, और इसमें नाम मात्र का किलिंग सीन दिखाया गया है। जो शार्क को दिखाया गया वह बहुत ही नाम मात्र, जो किलिंग सीन दिखाया वह बहुत ही एवरेज है, मतलब इतना खास नहीं है, और बहुत ही कम मात्रा में किलिंग सीन दिखाया है। और जिस तरह से मेकर्स ने इस फिल्म को प्रेजेंट किया है वह भी बहुत ही एवरेज है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो सभी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस की दी है, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा पर ठीक ठाक दी है, काम चल जाता है। ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूं तो प्रोडक्शन क्वालिटी आपको बहुत ही लो देखने को मिलता है शार्क वाले मूवी के मुकाबले में। यदि आपने पिछले शार्क वाली मूवी देखा होगा तो उस टाइप का आपको प्रोडक्शन क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत ही कम बजट में बनाया गया है, तो बहुत ही बिलो एवरेज का प्रोडक्शन क्वालिटी इसमें देखने को मिलेंगे। इसकी कहानी भी आपको कुछ भी नया प्रेजेंट नहीं करती, मैंने सोचा कि कहानी कुछ नया प्रेजेंट करे, तो ये भी बहुत ही एवरेज कहानी है। तो ये भी कहानी भी कुछ ज़्यादा आपको अच्छी खासी नहीं लगेगी। और इसकी हिंदी डबिंग की बात करें तो हिंदी डबिंग आपको अच्छी देखने को मिलती है। तो गाइस, इस फिल्म को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट है कि ये बिलो एवरेज मूवी है, और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस मूवी में अपना टाइम वेस्ट करें, इसलिए मैं आपको इस मूवी को रिकमेंड नहीं करूंगा। ये एक बेकार मूवी है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये मूवी को देखिए। और हाँ, इसमें कुछ बिकनी वाला सीन दिखाया गया है, इतना चलेगा, तो फैमिली के साथ देखिएगा वरना स्किप कर दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप इस तरह की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में हमेशा देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।